Yes, now we'll start with question number 66. Okay, so again, let's see given part kya hai, phir iske solution par aayenge. So question says, Ali, Bimal and Deepak are partners in a firm. So humare paas is baar teen partner hain. Aage kya kehta hai question mein? On 1st of April 2011, their capital stood as 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh rupees. So given likh lete hai is information ko. Partners hai is humare paas, Ali, Bimal एंड दीपक, ये तीन पार्टनर हैं इस बार और इनकी कैपिटल हमें गिवन है. कैपिटल इज गिवन किस डेट को है? कैपिटल कैपिटल इज गिवन ऑन 1st of April 2011. 4 lakh rupees, 3 lakh rupees एंड 2 lakh rupees, ये कैपिटल गिवन है. आगे क्या कहता है क्वेश्चन? दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 5:3:2. इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2. चलिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन ये देखते हैं. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम. हमें इंटरेस्ट देना है इनको कैपिटल पर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एन, ये हमें इंटरेस्ट देना है. इसके अलावा सैलरी टू बिमल एंड दीपक, हमें सैलरी देनी है बिमल एंड दीपक को. तो मैं यहां लिख देता हूं सैलरी. सैलरी देनी है बिमल एंड दीपक को. अली को सैलरी नहीं है. बिमल और दीपक की सैलरी कितनी है? बिमल को है 2000 पर मंथ एंड दीपक को है 3000 पर क्वार्टर. सो 2000 पर मंथ है बिमल का, तो मैं 2000 इंटू में 12 लिख दू, पूरे साल का आ जाएगा. ठीक है. और दीपक का क्वार्टरली है 3000 रुपए, तो ये तो एक क्वार्टर का हुआ, साल भर में होते 4 क्वार्टर, तो इसका भी पूरे साल का अमाउंट आ गया. इसके आगे चलते हैं. बिमल शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट अ मिनिमम ऑफ 50,000 पर एनम. ठीक है. गारंटेड प्रॉफिट हमने कितना दिया हुआ है? किसको दिया है? ये बिमल को. तो हम बात करते हैं गारंटेड प्रॉफिट. गारंटेड प्रॉफिट टू बिमल रुपीज 50,000 पर एनम. ये 50,000 का प्रॉफिट इन्होंने कैसे बोला है? इसमें शामिल होगा, या मैं ऐसे डिटेल डालता हूं इसके लिए, मैं आपको एरो डालकर, इसमें वो क्या कह रहा है? कहता है एक्सक्लूडिंग. एक्सक्लूड क्या करेगा? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जोड़ रहा है, बट क्या इंक्लूड करना चाहता है? इंक्लूडिंग सैलरी, यानी सैलरी को जोड़कर ये प्रॉफिट आना चाहिए 50,000 रुपए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जोड़ेंगे. जनरली क्या होता था पहले, सिंपल वो प्रॉफिट के बारे में बात करता था. इंटरेस्ट किसी ना तो इंटरेस्ट को इंक्लूड करता था ना सैलरी को इंक्लूड करता था, बट इस बार वो कहता है इंटरेस्ट तो नहीं इंक्लूड कर रहा, बट सैलरी इंक्लूड करना चाहता है 50,000 के प्रॉफिट में. ठीक है. आगे क्या कहता है? एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दीपक. अगर इस 50,000 में कुछ कमी पड़ती है तो कौन इसे बियर करेगा? दीपक. डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय दीपक. ठीक है. चलिए आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने? इसके आगे तो बस ये बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 31st 2012. प्रॉफिट है इस बार का, सॉरी बेटा, इस साल का प्रॉफिट है हमारा, यस, इस बार का प्रॉफिट है 2 lakh rupees. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज, प्रॉफिट इज रुपीज 2 lakh rupees. ठीक है. हमें क्या करना है? ही आस्क्ड टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2012.
ये जो साल खत्म हो रहा है 2012 में, ये प्रॉफिट मैं लिख भी देता हूँ, 21 साल के लिए, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च 2012 को, यानी इस साल का ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। फॉर लिखूं, चलो फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 12, ये इस साल का हमारा प्रॉफिट है, और हमसे उसने क्या मांगा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाकर दिखाना है। चलिए तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, स्टार्ट करें। सॉल्यूशन में आप मुझे ये बताइए, पहले कोई वर्किंग कैलकुलेट करना है हमें, कोई वर्किंग कैलकुलेट करना हो तो बता दीजिए हमें। देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और 10% से सीधा, तो कैलकुलेशन अलग से नहीं दिखाऊं मैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखा दूंगा इसे। सैलरी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, और गारंटी प्रॉफिट का एडजस्टमेंट भी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, सीधा ही इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट ढूंढ ले, प्रॉफिट कहां है, 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, तो हमें पीएनएल से क्या मिला है, प्रॉफिट 2 लाख रुपीज का। सो बाय पीएनएल और प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट 2 लाख रुपीज, ठीक है बेटा। इसके बाद अब हम स्टेप वाइज चलते हैं, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, तो चलिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैलकुलेशन सीधी है, 10% से ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, डायरेक्टली लिखते हैं। अच्छा, अली बिमल और दीपक को क्या मैं ए बी और डी लिख सकता हूं, समय बच जाएगा, ठीक है ना, स्पेस भी बचेगा, ए बी एंड डी। चलिए 4 लाख, 3 लाख, ध्यान दे रहे हैं ना, ये ओपनिंग कैपिटल है, मैं इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पर निकाल रहा हूं, जिन्हें डाउट आ रहा हो कि सर ये इंटरेस्ट इस बार आपने कुछ चेंज क्यों नहीं किया, ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है, क्लोजिंग थोड़ी ना है कि कुछ अल्टरेशन करें। डी, डी का कितना है, 2 लाख रुपीज। चलिए 10% निकाल लेते हैं इनका सीधा, यस 10% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 40,000, ठीक है ना, 30,000 एंड 20,000। अच्छा, इनका टोटल कितना आ गया, टोटल बताइए, 90,000, सही है ना, 90,000, तो मैंने ये 90,000 मेन अमाउंट कॉलम में लिख दिया। चलिए इसके बाद मुझे सैलरी देनी है, चलो सैलरी लिखते हैं, टू सैलरी अकाउंट। सैलरी किस किस को देनी है, बिमल और दीपक को देनी है, बिमल को देनी है 2,000 रुपए महीने के, तो साल भर के हो गए इसके 24,000, दीपक को देने 3,000 पर क्वार्टर, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो ये हो गए 12,000, और इन दोनों का टोटल कितना आया, 36, ठीक है 36,000। चलिए अब गारंटी का क्वेश्चन है, याद है ना, गारंटी के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, गारंटी को भूल जाओ, यानी आपने अभी गारंटी, मैंने देखो गारंटी को अभी देखा ही नहीं है, हम क्वेश्चन बिल्कुल ये मानकर करेंगे कि गारंटी वाली बात दी नहीं है, हम नॉर्मल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद क्या करना होता था, रिमेनिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे, आखिरी में चेक करेंगे क्या गारंटी वाली कंडीशन, ये शर्त पूरी हुई है नहीं हुई, यानी उसे जो गारंटेड प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो एडजस्टमेंट करेंगे,
मिल चुका है तो फिर करना ही क्या है, फिर तो क्वेश्चन क्लोज। चलिए तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आता है जब कैपिटल अकाउंट आपने लिख दिया तो, ठीक है, मन करे तो लिख लेना। चलिए तो इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि गारंटी का एडजस्टमेंट भी दिखाना है हमें, ठीक है, गारंटी का एडजस्टमेंट करें तो पहले मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया। एक काम करो, 2 लाख रुपए में से ये कितना है, ये 90 + 30 = 120, 1,26,000 हटाओ 2 लाख में से, 2 लाख में से 1,26,000 हटा दो, कितना बच जाएगा रिमेनिंग बताइए, कितना बच रहा है, 74, ठीक है, 74,000, 74,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दे, बांट देते हैं ए बी एंड डी, यानी अली विमल एंड दीपक, 74,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2, तो 5/10, 74,000 को 3/10, 74,000 को 2/10। चलिए मुझे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे कैलकुलेट करके कितना कितना आंसर आएगा इनका, जल्दी बताइए, ये आसान है मैं कर देता हूं, आप कर रहे हैं ना, बताइए आप कर रहे हैं मैं करूं, चलिए आप कैलकुलेट कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए, कितना आ रहा है ए का, 37, कितना, 37 क्या, 37,000, ओके 37,000। चलिए अब इसका बता दीजिए मुझे बी का, बी का कितना आएगा, 74 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 = 21, 21,400 मतलब 21,000 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1200 यानी 22,200, आप बताओ यही आ रहा है आपका, मेरा तो 22,200 आ रहा है, आप बताओ आपका आ रहा है नहीं आ रहा, यही आ रहा है, चलो 22,200 रुपए, और यहां पर, यहां कितना आ रहा है, यहां पर मेरा आ जाएगा 7 × 2 यानी कि 14,800, आपका कितना आ रहा है, मेरा 14,800 आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है, चलो ठीक है 14,800। अब ध्यान करते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही है, गारंटी दी गई, शायद गारंटी पूरी नहीं हुई होगी, फिर भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारी तरफ से खत्म हो गया। इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि बी को यानी बिमल को 50,000 मिलने चाहिए, कैसे, प्रॉफिट में, उस प्रॉफिट में शामिल क्या होगा, सैलरी, जो सैलरी है वो उसमें इंक्लूड होगी, वो उसमें शामिल होगी, तो जरा देखें बी को मिला क्या है, सैलरी और ये प्रॉफिट मिलाकर बी को 22,200 तो यहां मिल गया और 24,000 ये मिला, क्या कह रहा हूं मैं बी के लिए, बी को देखिए 22,200 तो ये प्रॉफिट मिला और 24,000 रुपए, 24,000 क्या मिल गया, सैलरी मिल गई, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 200, ये 6 और ये 46, 46,200 आया है, यानी कि गारंटी पूरी नहीं हुई, गारंटी पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इतना जोड़ो कि ये 50,000 हो जाए, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा यानी इसे कुछ और देना पड़ेगा कि ये 50,000 हो जाए, गारंटी यही थी कि इन दोनों का सम प्रॉफिट एंड सैलरी, इन दोनों का सम 50,000 आना चाहिए था, तो 50 आया नहीं तो और देना पड़ेगा, देगा कौन, ये देगा डेफिशिएंसी दीपक, चलो पहले ये बता दो कितना आ जाएगा, 50,000 में या 50,000 में से 46,200 हटाओ कितना आ रहा है, 3800 रुपए, चलो 3800 रुपए मैंने जोड़ दिए, ये 3800 हमें देने हैं और किसको, बिमल को, और लेंगे किससे, दीपक से, चलो तो इसको 3800 रुपए और दे दें हम, ये समझ में आई बात, ये गारंटी का एडजस्टमेंट है, ये वाली जो बात लिखी है ये गारंटी एडजस्टमेंट है, ठीक है, चलो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,23 और ये 3, 26,000 हो गया,
26 ही आया ना, 22,200 प्लस 3800, 26,000 आ गया। यहां पर कुछ हुआ नहीं, ये 37,000 ही रह गया। और यहां बताओ, ये लिया हमने दीपक से 3800, इसके यहां हटा दिए, तो बताओ 3800 हटा दो यहां से, 14,000 बचे, 11,000 बच गए। कितने बचे? 11 बचे ना, 14,800 में से 3,800 गए, तो 11,000 बच गए। चलो 11,000 लिख देते हैं हमसे, और इन सब का टोटल कितना आ रहा है? 74,000। जरा चेक कर लेना, 74,000 ही आना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा? प्लीज चेक इट, 74 आ रहा है। चलिए ठीक है, तो सॉल्यूशन खत्म हो गया। समझ में आया गारंटी का क्या किया? सबसे आखिरी में आके चेक किया, उन्होंने बोला है गारंटेड प्रॉफिट 50,000 होना चाहिए, और उस प्रॉफिट में सैलरी शामिल है, इंक्लूडेड है। तो हमने देखा बनाया 46,200, यानी 50,000 नहीं है, कितना और दें? 3800 दे दो, गारंटी पूरी हो जाएगी। ठीक है, 3800 दे दिए और लिए किससे? दीपक से। चलिए, तो ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया 2,00,000। ठीक है, और इन सबका टोटल भी कितना आ गया? 2,00,000 टोटल आ गया। चलिए, तो हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, हमारा सॉल्यूशन खत्म है। अब कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, एक काम करो, नोट डाउन कर लो, डाउट नहीं है कोई तो जल्दी नोट डाउन करो। मैं मीनवाइल ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए डिटेल डाल देता हूँ, लिख लीजिए जल्दी से। देखिए बेटा, जो हमारी क्लासेस बच्चे ऑनलाइन देखते हैं, मैं उनके लिए डिटेल डाल देता हूँ। हमारे चैनल का नाम है SR अकाउंटेंसी क्लासेस। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। आप हमें इस नाम से YouTube पर फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, YouTube.com पर जाइए आप, और आप हमारी सारी वीडियोस यहां अवेलेबल हैं। आप हमें Facebook पर भी सर्च कर सकते हैं इसी नाम से। ठीक है, इसके अलावा जब आप सॉल्यूशन देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो नीचे कमेंट कॉलम आता है, आप मुझे वहां कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं डाउट्स और क्वेरीज के लिए। आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9261004x7। कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए भी यही नंबर है। एंड लास्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं ये ध्यान से समझिए। देखिए, जब भी हमारा कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है, तो आपको बार बार चैनल पर यूट्यूब पर जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने कोई नया वीडियो डाला है नहीं डाला। अगर आप ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लिख लीजिए इसे आप।